सिद्धांत सर फोन क्यों नहीं उठा रहे? कैसे कांटेक्ट करूं मैं उनसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पिक अप द फोन। ओफो, क्या करना चाहिए मुझे? सिद्धांत सर से बात भी नहीं हो पा रही है। अब ये टेप मैं किसे दे सकती हूँ? इस टेप को तो मैं अपने पास भी नहीं रख सकती। मेरे लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि रात को शैतान से मिलने जाना है। हे भगवान, क्या करूँ मैं, क्या करूँ? दीवान साहब के बेटे करण को भी वरुण की असलियत मालूम पड़ गई, और वो भी हमारे साथ है। हेलो। हाँ जी, कौन? जी, मैं आर्मी हेडक्वार्टर से बोल रही हूँ। क्या मैं मेजर करण सिंह से बात कर सकती हूँ? जी, करण तो अभी घर से बाहर गया है। कोई मैसेज देना है आपको? नहीं, इट्स ओके। अब एक ही रास्ता बचा है कि मैं दीवान साहब के घर के बाहर पहुंचकर करण जी के वापस आने तक उनका इंतजार करूं। बस अब मुझे फौरन पहुंचना चाहिए। अब हमें चलना चाहिए चांदनी, मुन्ने का भी सोने का वक्त हो गया है। इस बैग में तुम्हारे लिए कुछ कपड़े हैं, मैंने परमिशन ले ली है। आप मुन्ना के साथ जरा गाड़ी में इंतजार कीजिएगा, अभी आया मैं। बेटा, अभी तुम घर जाओ, मैं जल्दी लौट आऊंगी। हाँ, चांदनी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा और खुद पर भी। हम तुम्हारी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे, और खास तौर से सिद्धांत बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत भागदौड़ी कर रहा है वो। आई नो करण, सिद्धांत ने मुझसे वादा किया है, और मैं जानती हूँ वो हर हाल में अपना वादा निभाएगा। लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है करण, हमारे पास वक्त तो बचा नहीं। कल दोपहर को हमारी सुनवाई होगी कोर्ट में, और सिद्धांत अभी तक कोई सबूत लेकर नहीं आया। I really don't know कल क्या होगा। मैंने कहा ना, सब ठीक हो जाएगा। बाय, ठीक है। करण जी, मैं दिया हूँ। मैं कब से आप ही का इंतजार कर रही थी। हाय दिया, नाइस टू मीट यू। हाय करण जी, मुझे आपको वरुण के खिलाफ एक अहम सबूत देना है। सबूत? करण जी, एक कैसेट है, इसे आप अपने पास रख लीजिए। क्या है इस कैसेट में? इस कैसेट में